और साथ में जो गरीब जन है उनके लिए उनको पेंशन की योजना चल रही है, उसके तहत वर्तमान राजस्थान में सामाजिक अधिकारिता व न्याय विभाग, जिसका काम अपने समाज के वृद्धजन, अपने दिव्यांग या उसके साथ जो अपनी महिलाएं जिनमें परित्यक्ता, विधवा या तलाकशुदा आती हैं और साथ में जो गरीब जन हैं उनके लिए उनको पेंशन की योजना चल रही है, उसके तहत वर्तमान संवेदनशील सरकार ने 150 रुपये वृद्धि करके, जो पहले 1,000 रुपये थी उसमें 150 रुपये बढ़ा करके 1,150 रुपये उसको कर दिया। उसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उनके खातों में पैसे का देने का श्री गणेश कर रहे हैं। उसके तहत राजस्थान के लगभग 86 लाख से अधिक लाभार्थियों को 1,037 करोड़ रुपए उनके खातों में चले जाएंगे। और अपने अजमेर ज़िले में भी लगभग 2,88,000 जो लाभार्थी हैं उनके खातों में भी लगभग 32.5 करोड़ अब उनके खातों में चले जाएंगे। इस प्रकार ये जो ऑनलाइन उनके खातों में पेंशन की ट्रांसफ़र की योजना है, यह निश्चित रूप से सही और सुखद है, जिसके कारण से लाभार्थियों के जनधन के खाते जो पिछले हमारे सरकार ने और वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री ने जो प्रारंभ किए, जिसके कारण से इसमें होने वाली देर, इसमें होने वाली अनियमितता, इसमें होने वाला भ्रष्टाचार सब समाप्त होकर के सीधे एक ही क्लिक से उनके खाते में पैसे हो जाएंगे, जो पैसे उनके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसके आधार पर उनका जीवन स्तर, उनका जीवन यापन सुखद और सुलभ हो पाएगा। इस अवसर पर मैं सभी लाभार्थियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, ताकि वे अपने जीवन को आराम से जी सकें, सरकारी योजनाओं का लाभ लें और इस पैसे का सदुपयोग करते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। इस तरह की मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने इन प्रयासों में अपना योगदान दिया है, उनको भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।